देखिए इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, हो सकता है ये खबर सच्ची हो। मैंने वेरीफाई किया है, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो चुकी, लेकिन आपको कॉन्शियस अवेयर करने के लिए ये जरूरी है। अगर एक मिनट लाइट ऑन कर लूं। हाँ, जो पीटेट का एग्जाम होने जा रहा है ये एक खबर है। वेरीफाई भी आगे जाके करता हूँ, होती है कि नहीं आपके पास सामने रखूँगा, लेकिन आप अवेयर हो जाइए। प्रोबेबिलिटी है, इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, गवर्नमेंट में कोई शिफ्ट बदलाव आ सकता है ना, तो हर तरह की कोशिश होती है। इस कोशिश में ये भी हो रहा है कि पीटेट भी ले लिया जाए। ठीक, तो ये नोटिस है SCERT की तरफ से। ये नंबर है नोटिस का, नंबर इसलिए बोल रहा हूँ, इस नंबर से मैंने सर्च किया है जो इन्होंने लिंक दिए हैं, लेकिन वहां कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। नंबर है 226717 प्री, ब्रैकेट में 2 है 2021, ये नोटिस का नंबर है। नोटिस कब आया है, ये यहां से पेन ले लूं मैं, ये वाला लिखते हैं। ओके, ये रहा 22/11/2021। ठीक है, कल ये नोटिस आया है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, पंजाब द्वारा, पंजाबी ची पढ़ता है क्योंकि पंजाबी विच है, पंजाब द्वारा अभी पंजाब राज्य अध्यापक योग्यता टेस्ट TET जिसको बोलते हैं, दी परीक्षा मिति 24/12/2021 को करवाई जा रही है। एक महीने तक परीक्षा हो जा रही है इस नोटिस मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं। योग उम्मीदवार PSEB पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी वेबसाइट www.pseb.ac.in ते टेस्ट ले ऑनलाइन बिने कर सकते हैं। हम अभी जाते हैं वहां पर। होर दिशा निर्देशों सहित टेस्ट ले बिने पत्र दी शुरुआती ते अंतिम मिति, फीसा, योग्यता ते बाकी दी शर्तां अते बाना www.pseb.ac.in सेम वाली वेबसाइट है तो उपलब्ध हैं। उपलब्ध मुझे तो उपलब्ध हुए नहीं भी। टेस्ट दे शेड्यूल विच किसी भी तरह की तब्दीली नू केवल वेबसाइट दी ते अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है, तो ये SCERT उनके साइन, ये एक और कोड है, ये भी मैंने सर्च किया, DPR/#PB/10208। तो मैंने यहाँ जाके देखा कि ये वेबसाइट खुली है, ये नहीं, इसको बंद करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पर ये भी सर्च किया मैंने कि फॉर्म ऑनलाइन आ गए हैं, जैसे उन्होंने कहा उपलब्ध है, तो मैंने उपलब्ध देखा है 22 तारीख को, यही उपलब्ध है, इसके अलावा कुछ उपलब्ध नहीं है। वापस होम पर जाऊंगा और फिर एक बार दिखा देता हूँ। ऑनलाइन फॉर्म देख लिए, ये प्रेस नोट्स या सर्कुलर कोई ऐसा था, 22 तारीख को कोई है, 22 तारीख को ये एक वाला है, प्रेस नोट रिगार्डिंग डेट शीट टर्म थ्योरी मैट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी नहीं मैच कर रहा। और कुछ क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन नहीं, ये भी कोई कोई नहीं मिल रहा। तो अभी तक वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी, फॉर्म, डेट, डेटशीट, नोटिस मुझे नहीं मिला। हाँ, मैंने काफी सर्च किया है, तो मेरे ख्याल में अगर ये नोटिस, मैंने अथॉरिटी को पता करने की कोशिश की कि क्या ये खबर सच्ची है, तो ये मेरे ख्याल में किसी न्यूज़पेपर में छपी है, तो हो भी सकता है ये पीटेट, क्योंकि इलेक्शन के दिन है, हो रहे, आप तैयार रहिए, कॉन्शियस रहिए, कोई अपडेट आता है मैं एकदम आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि CTET तो ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हो, लेकिन PTET याद रखना है कि अगर पंजाब में आप किसी तरह की भी जॉब करना चाहते हो, 10th में पंजाबी ज़रूर होनी चाहिए और पंजाब का TET क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, देखिए 5 साल गुजर जाते हैं, इजीली गुजर जाते हैं, 5 साल के बाद कितनी जॉब जाती है ना, तो आएंगे अच्छे दिन आएंगे। चलो, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस वीडियो का यही पर्पस था कि आप PTET के फॉर्म एकदम निकल सकते हैं,
कल परसों एक दो दिन में आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, अपडेट होना है, साथ में आपको कंटेंट भी टीच करूंगा जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हुई। आप कमेंट बॉक्स में किसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।